पुराने जमाने के टीचिंग के तरीकों से हमको क्यों पढ़ाते हैं, इट्स सो बोरिंग। अब वेदांत देगा प्रॉब्लम से छुटकारा। हाय किड्स, हेलो टीचर। आएगा तो मजा आएगा तो समझ आएगा। बेस्ट टीचर्स पढ़ाए तो सिंपल लगे एवरीथिंग। लीडर बोर्ड एंड क्विज़ेस से अमेजिंग। समझ आएगा तो Vedantu, learn live online. To attend a free live class, download the app now. Hey everyone, hey 10th class, how are you all? I hope all of you are doing absolutely fine. Who am I? You know me well now. My name is Anubha Gaur, your chemistry master teacher at Vedantu. And everyone, why we are here today, as you know it very well, because we have started a very important series for all of you, that is Sprintex, hai na, taki we can help you out for your pre-board. Hame acche se pata hai, we can understand it very well. December aa raha hai, December means your pre-board, so we thought we can help you out in a best possible way. To isliye hum shuru kar rahe hain ek 14 day series. दो हफ्ते, एवरीवन दो हफ्ते, स्टे विद अस, स्टिक विद दिस चैनल वेदांतु 9th एंड 10th। और हम क्या कर लेंगे, पीसीएमबी सारा सिलेबस जो आपके प्री बोर्ड में आने वाला है। तो आप सबको क्या करना है, आप सबको इस सीरीज को बहुत सारा प्यार देना है। यू हैव टू शेयर ऑल ऑफ योर लव इन टर्म्स ऑफ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट वी ऑल कैन फील मोटिवेटेड इनफ के हाँ हमारी मेहनत काम आ रही है आप लोगों के, राइट? तो प्लीज दो हफ्ता all of your important topics are going to be covered so that you can do very well in your pre-board. फोर दो, तोड़ दो, एंड यू विल बी लाइक मैम हमने डिस्टिंक्शन को भी क्रॉस कर दिया है, राइट? तो शुरू करते हैं विद अ वेरी पॉजिटिव कोट फॉर एवरी वन। वट इज द कोट ऑफ द डे बच्चा लोग? डोंट स्ट्रेस, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ यूर लाइक मैम स्ट्रेस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करें, तो डोंट वरी, वेदांतु है, सब मुश्किल आसान होने वाली है आप सबकी, है ना? सो डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, एंड एवरीवन फॉरगेट द रेस्ट, भूल जाओ बाकी सब क्या है, सिर्फ तैयारी करनी है, अच्छी तैयारी करनी है। सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर गोइंग टू बी रिपीटेड। तो हम क्या फोकस करेंगे, हम वो क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहे हैं ताकि आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए, एंड यू विल बी हैविंग अ गुड आइडिया अबाउट योर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कि आपको कैसे अच्छा करना है, राइट? तो उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एज आई टोल्ड यू, कैसे पता चलेगा दैट दिस इज गोइंग सुपर फैंटाबुलसली फैंटास्टिकल टू ऑल ऑफ यू, अगर आप ये करेंगे। तो ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक आर वेदांतूज स्प्रिंटेक सीरीज जस्ट फॉर दिस प्री बोर्ड एग्जाम्स, है ना? तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, वी कैन सी ऑल द शेड्यूल हियर आप लोगों की सुविधा के लिए, आई कैन से दैट। तो अभी करंट सेशन जो कि 8 बजे आज चल रहा है, दैट इज ऑफ मी अनुभा गौर, एक सेशन पहले हो चुका है, आई होप आपने देखा होगा हर्ष सर का, दैट वाज एट 7 PM। एक और सेशन होने वाला है इसके जस्ट बाद, 9 PM पे हर्ष सर का एक और सेशन होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मैथ्स का एक और सेशन है। तो फॉलो करना मत भूलना, हम सब ये मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं बच्चा लोग। तो यू विल बी लाइक मैम व्हाट विल बी द यू नो होल शेड्यूल, तो ये केमिस्ट्री का पूरा शेड्यूल है आप सबके सामने, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और फाइल तो आपको डाउनलोड करनी ही है क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा। तो 19 को मिलेंगे जो कि आज है, देन 21, 23, 25, 27, 29 एंड फर्स्ट मीन्स ऑल्टरनेटिव डे पे केमिस्ट्री होगा। तो प्लीज फॉलो ऑल द वीडियोस ताकि आप बहुत अच्छा कर पाओ, और चैट बॉक्स है बच्चा लोग, जो भी डाउट्स आते हैं आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबके डाउट्स लूँ और सबको रिप्लाई भी करूँ। तो जल्दी से रिप्लाई करना, कुछ होमवर्क भी देंगे उसको सॉल्व भी करना, जो सबसे पहले रिप्लाई करेगा आई टेक द नेम ऑफ दिस पर्सन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ माइन एज वेल। तो ये बाकी सेशंस का शेड्यूल है, मींस बाकी टीचर्स जो हैं हमारे फिजिक्स, मैथ्स एज वेल एज बायोलॉजी, तो उसका शेड्यूल भी है, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैथ्स के बहुत सारे सेशन होने वाले हैं बिकॉज मैथ्स का कवरेज भी बहुत ज़्यादा है ना। तो ये मैथ्स का शेड्यूल है,
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. ये यहीं ख़त्म नहीं हो रहा बच्चा, जस्ट वेट, ये आगे भी है. ओके, टिल 1st December. तो हमने पूरी कोशिश की है कि 1st December तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप रॉक कर दो इन योर प्री बोर्ड. ओके, तो ये हो गया मैथ्स. अब बारी आती है बायोलॉजी की, जो कौन लेने वाले हैं आपको पता है, आपके फेवरेट अमृत राज सर. तो ये अमृत सर का शेड्यूल है आप सबके सामने. 18 November शुरू हो चुका है, देन इट विल बी देयर फॉर टिल 1st December. ओके, तो फॉलो करना है. उसके बाद ये आपके फेवरेट वन एंड ओनली हमारे अभिषेक सर जो फिजिक्स की क्लासेस लेंगे, ये उनका पूरा शेड्यूल है. तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई होप ले लिया होगा. तो चलो, आप सबको सारे टीचर्स का शेड्यूल पता चल गया, दैट मीन्स कि आप फॉलो करेंगे और बहुत अच्छा भी करेंगे. तो अब केमिस्ट्री शुरू कर लेते हैं. तो तैयारी विद वेरी बिगिनिंग, तो पिक्चर शुरू कर रहे हैं. 1st December को एंड करेंगे, सारे सीन्स देखने हैं आपको, है ना. तो क्योंकि सारे के सारे लेक्चर सुपर इम्पॉर्टेंट है और आप सबके लिए ही है. फाइन, तो चलो शुरू करते हैं विद वेरी बिगिनिंग. कौन सा चैप्टर है आपको अब पता चल गया है, विच यू हैव सीन ऑन योर स्क्रीन एज वेल इन द थंबनेल एज वेल, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. सो बेसिकली दैट्स द फर्स्ट चैप्टर. व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर, ऑल द इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस विच इज देयर इन दिस चैप्टर, दैट इज कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, एज वेल एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन. ये करेंगे बिकॉज जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आइदर ऑफ एनी ऑफ दीज फॉर्म. के क्वेश्चन दे दिया, यू हैव टू फाइंड आउट वट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस, और वाइस वर्सा. उन्होंने पूछ लिया एक रिएक्शन दे के, कौन सी रिएक्शन है और उसको बैलेंस करके दिखाओ. तो 2-3 क्वेश्चन हम एक ही टाइप के क्वेश्चन में कवर कर सकते हैं, ठीक है. तो एज इट्स स्प्रिंट टाइम, तो हमारा मोटिव रहेगा जितनी जल्दी इस क्वेश्चन को आपको समझा सके कि आप बहुत जल्दी एग्जाम में उसको अटेम्प्ट कर सको. तो ये हमारा पहला टारगेट है, वो भी अचीव करना है, और आपको समझ भी आए वो भी अचीव करना है. ओके, तो जरा रीड आउट करते हैं आवर फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस क्वेश्चन? क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इनटू डिफरेंट पॉसिबल टाइप्स. अगेन आई टोल्ड यू सेम काइंड ऑफ रिएक्शन इक्वेशन दे देगा, यू हैव टू फाइंड आउट कौन से टाइप के रिएक्शन है. सो वी हैव 2-3 रिएक्शंस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर दीज. एंड इट हैज बेसिकली 2 पार्ट्स, ए एंड बी. सो टोटल जो क्वेश्चन का मार्क्स होंगे वो होंगे 3 मार्क्स में. लेट्स सी कितना जल्दी और कितना अच्छे से हम उसको समझ पाते हैं. राइट, तो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ. यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव सिल्वर नाइट्रेट, यू मिक्स विद सोडियम क्लोराइड एंड यू गेट 2 new substances. तो लेट्स गिव यू अ वेरी बेसिक आइडिया अबाउट सम रिएक्शन सो दैट यू कैन ईजिली फाइंड आउट. पहला, एज द नेम इज गिविंग यू द आंसर, कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन इज समथिंग विच इज कंबाइनिंग. सो वट एग्जैक्टली इज कॉम्बिनेशन? यू आर कंबाइनिंग 2 or more केमिकल्स एंड यू आर गोइंग टू गेट 1 substance. दिस इज कॉम्बिनेशन, नो? सो येस, इफ यू हैव 50 rupees, इफ यू हैव 1 more 50 rupees, नॉट, टोटल कितने पैसे हो जाएंगे? 100 rupees, राइट? सो साइमल्टेनियसली टोटल एक ही प्रोडक्ट आएगा इसमें. तो ये आपको करना है, दैट इज कॉम्बिनेशन. डीकॉम्पोजिशन इज जस्ट रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन. व्हाट डज दैट बेसिकली मीन? डीकॉम्पोजिशन, यू आर डीकॉम्पोजिंग समथिंग, दैट मीन्स यू मस्ट बी हैविंग अ सिंगल सब्सटेंस जिसका काफी अच्छा मास है. ओके, दैट इज कंपैरेटिवली हैविंग अ बिग मॉलिक्यूलर मास, हाई मॉलिक्यूलर मास. उसको मैं ब्रेक कर रही हूं ड्यू टू सम फैक्टर्स, दैट कैन बी हीट, दैट कैन बी लाइट, दैट माइट बी सनलाइट और बल्ब लाइट, एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी. सो इफ आई पास एनी ऑफ दीज कंडीशन, अ सब्सटेंस, सर्टेन सब्सटेंसेस कैन ब्रोक डाउन टू गिव यू मोर देन वन सब्सटेंस. ओके, अगर एक ही मिला तो क्या डिकम्पोजिशन हुआ, राइट? सो यू विल गेट मोर देन वन सब्सटेंस, दैट इज डिकम्पोजिशन. थर्ड रिएक्शन विच इज सुपर इंपॉर्टेंट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या है? एज द नेम इज गिविंग यू आंसर, समथिंग विच इज डिस्प्लेसिंग द अदर, है ना. तो ज्यादा जो पावरफुल होगा
ये हमें पता है अपनी सोसाइटी में भी, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. तो जो ज़्यादा पावरफुल होता है दैट कैन डिस्प्लेस अ लेस पावरफुल सब्सटेंस एंड वट एवर अ थिंग, राइट. तो साइमल्टेनियसली केमिस्ट्री में अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वस सोल्यूशन. सो यू माइट बी हैविंग एन एक्वस सोल्यूशन, सपोज यू हैव कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन एंड यू पुट जिंक ग्रैन्यूल्स इन टू इट. सो जिंक हैज मोर टेंडेंसी विच इज मोर रिएक्टिव, कैन डिस्प्लेस कॉपर एंड विल टेक इट्स पोजिशन. ताकतवर है, अब क्या करे कॉपर बेचारा, इज लाइक मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आई विल हैव टू बिकम अ लोनर, और वो अकेला हो जाएगा, राइट. दिस इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट. और इसको बहुत अच्छे से जानने के लिए, बिकॉज दैट्स फॉर श्योर कि उसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट. सो आई हैव मेड सम वीडियोज ऑलरेडी, तो एक बार देख लो. केमिकल रिएक्शन एज वेल एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वी हैव कवर्ड अ सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज इन टर्म्स ऑफ निमोनिक्स, कि उसको कैसे याद कर सकते हो. जब हम पर्टिकुलर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे देन आई विल गिव यू दैट आइडिया अगेन, ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट, डबल डिस्प्लेसमेंट विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट, टू टाइम्स डिस्प्लेसमेंट. सो इट्स नॉट लाइक यू नो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव. वेन यू जस्ट मिक्स टू एक्वस सोल्यूशन तो देयर आयंस कैन गेट एक्सचेंज. तो दोनों सब्सटेंस मस्ट बी हैविंग पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस. वेन यू मिक्स देम दे कैन एक्सचेंज देयर आयंस, ओके. सो इट्स लाइक लेट्स एक्सचेंज, बोर हो गए अपने वाले से, अपने वाले सब्सटेंस से बोर हो गए, लेट्स एक्सचेंज ईच अदर साइन. दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, वी कैन कॉल इट डीडी रिएक्शन इन शॉर्ट. दो टाइप की होती है. वेन यू आर एक्सचेंजिंग आयंस, फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज द सब्सटेंस यू आर गोइंग टू गेट might be having a precipitate, means a solid insoluble substance that is going to settle down, right. So one possibility is to get a precipitation reaction. Second possibility is when you are mixing these two substances and exchanging their ions, that can be one acid and base, because acid is comprising of H positive ions and that negative counterpart. Base is combined with OH negative ions and the counterpart, means ek positive bhi hoga. So that can also show DD reaction, double displacement reaction. So every neutralization reaction is also a DD reaction. तो सोचो मैम ने 5 मिनट्स में आधे चैप्टर की समरी आपको बता दी. अब विद द हेल्प ऑफ वट एवर वी डिड, वट एवर वी गॉट टू नो, उसके हेल्प से 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे विच वॉज देयर इन योर बोर्ड एग्जाम, और बैलेंसिंग के भी कुछ ट्रिक सीखेंगे. तो अब बहुत आसान है, प्लीज टेल मी योर रिस्पॉन्स, वट एग्जैक्टली इज दिस रिएक्शन. सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड आर गोइंग टू एक्सचेंज देयर आयंस टू गिव यू two new substance, silver chloride as well as sodium nitrate. और यहाँ क्या देख रहे हो, solid. Solid means precipitates. तो precipitates नीचे settle down हो रहे हैं. So what kind of reaction is this, बच्चा लोग? This reaction is nothing but, ma'am, now we know, DD reaction. Yes. So double displacement reaction, and apart from that, precipitates are formed, so we can also call it that in double displacement reaction, that is particularly precipitation reaction. Fine. So this we got to know, that DD reaction as well as precipitation reaction. And most of the DD reaction means whenever we mix two things into each other, generally, pay attention, generally heat can be released. Okay, one more important thing we get to know about that. Matlab, that can be exothermic as well. Exo means outside, thermic means heat, thermal, jisme heat release ho. Fine. Let's come to the second question. To ye bhi obvious hai, ma'am, you already told summary, usne hame help kar di. So magnesium, whenever you burn in presence of oxygen, burning of magnesium ribbon, that is going to give you a white powder type of substance that is going to fall down. Whenever you burn magnesium ribbon, you're going to get magnesium oxide, white color powder. Isn't it obvious? So please shout out and tell me what is the name of this reaction. Yes, pretty obvious. This is combination reaction. But I told you one more thing. Whenever you burn any substance in presence of oxygen, you will get oxide of that. And the reaction is also known as
combustion reaction, right? So it's not like that ke ek hi type ki reaction ho sakti hai, that can be having more than one kind of possibility. So combustion reaction as well, and then combination or all the combustion reaction. Whenever you burn a substance, then that's the combustion reaction. Heat and light is produced. Try to remember. You have done that in the fourth chapter as well as in the first chapter. Combustion reactions are exothermic in nature. That means we get to know about this also. One, two, and the third type is nothing but exothermic reaction. Fine? ठीक है, तो एक से तीन तीन काम कर लिए हमने एक रिएक्शन से. लेट्स टॉक अबाउट दिस रिएक्शन. वेन एवर यू हैव जिंक एंड वेन एवर यू पुट इट इन टू कॉपर सल्फेट. मैम वी हैव ऑलरेडी डन विद दिस एग्जाम्पल. जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू डिस्प्लेस कॉपर एंड विल गिव यू जिंक सल्फेट. कॉपर विल बी लोनर लोनर. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात विच यू कैन सी इन दिस रिएक्शन. कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज ऑफ ब्लू कलर. ओके, ब्लू कलर का सोल्यूशन था. जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए. थोड़ी देर बाद सोल्यूशन का कलर इज गोइंग टू बिकम कलरलेस बिकॉज दिस सोल्यूशन इज कलरलेस इन नेचर एंड यू विल गेट प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर दैट इज गोइंग टू सेटल डाउन रेडिश ब्राउन. क्या इफ समवन विल आस्क यू राइट डाउन एनी रिएक्शन विच कैन शो कलर चेंज, परमानेंट कलर चेंज, यू कैन ऑलवेज गिव सम एग्जाम्पल ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो इजंट इट ऑब्वियस दिस रिएक्शन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो विद द हेल्प ऑफ वन क्वेश्चन वी गॉट टू नो अबाउट हाफ ऑफ द चैप्टर. एंड दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज जनरली गोइंग टू आस्क इन टू योर एग्जाम फॉर श्योर. ओके, नाउ 1.5 मार्क्स यू हैव स्कोर्ड. एक मैम इतनी मेहनत 1.5 मार्क्स के लिए, तो बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे. अब देखना, स्टे विद मी. ओके, लेट्स हैव द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस. ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अच्छा, एक कई बार होगा एक रिएक्शन की स्टेटमेंट दे देगा. यू हैव टू राइट डाउन द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी कि सिंबॉलिक फॉर्म में यूजिंग देयर केमिकल फॉर्मूला एज वेल एज राइटिंग द होल केमिकल यू नो सिंबल एंड कंपाउंड्स. उस फॉर्म में लिखना है और उसको बैलेंस भी करना है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली आस्क इन द बोर्ड एग्जाम्स. तो देखो, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट. नाउ यू आर गोइंग टू गिव मी द आंसर बिकॉज आंसर इज सुपर इजी. बेरियम क्लोराइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड, रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट. एल्यूमिनियम सल्फेट and aluminium sulfate would be Al2SO4 thrice. You are done with 9th class ka chapter, how can you write the formula based on valency. Okay, and they give you aluminium chloride and barium sulfate. So kya dekh rahe ho, barium will go with the sulfate ion, aluminium will go with the chlorine ion, right? You're going to get these two substances. Ab wo kya bol raha hai, Translate the following statement in balanced chemical equation. मैंने translate कर दिया in terms of writing a chemical equation, but I have to balance it as well. When I have to balance it and write a proper chemical equation, I will also write the state of each and every substance. Fine? Barium chloride, aqueous solution and aqueous solution. So isn't it, this reaction is pretty much obvious to all of you that this reaction is nothing but what kind of reaction. We are done with that. Iska positive is going with iska negative. Iska positive is going with iska negative. DD reaction, double displacement reaction. ठीक है, तो वो काम आ गया है ना, double displacement. Balancing, as I told you, ऐसे भी question पूछेगा. करो जरा जल्दी से, कैसे balance करें. सबसे पहले अगेन अ स्मॉल ट्रिक. व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रिक? व्हेन एवर यू ट्राई टू बैलेंस एनी कंपाउंड इन द स्टार्टिंग, ट्राई टू बैलेंस मेटल. मेटल को पहले बैलेंस करो, दैट टू विद हाई एटॉमिक मास. जो ज्यादा हैवी मेटल है, ट्राई टू बैलेंस दैट मेटल फर्स्ट, उसके बाद दैट मेटल विच हैज लेस एटॉमिक मास, और सबसे लास्ट में नॉन मेटल्स को. पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट ऑक्सीजन,
ओके ऑक्सीजन हो तो सबसे लास्ट में, ऑक्सीजन एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है समझ रहे हो, तो उसको सबसे लास्ट में बैलेंस करना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन सबसे लास्ट में लेंगे, पहले इजी से शुरू करेंगे. मेटल हाई मास, देन अनदर मेटल विद लेस मास, देन इफ यू हैव ऑक्सीजन मोर देन वन टाइम इन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, लास्ट में बैलेंस करना है. एक और बात, Whenever you have polyatomic iron, उसको एक साथ लेके balance करना है. Don't do this. Sulfur को balance करते हैं, oxygen को balance करते हैं, that can create problem. तो क्या करना है, Take sulfate as a whole and try to balance. Like you have three sulfate, तो इस तरीके से product में balance करो कि मुझे three sulfate चाहिए. That would be easy to balance. Okay? तो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दिस पॉइंट. दोबारा भी देख सकते हो वीडियो, रिवाइंड करके भी दे सकते हो एक बार जब प्रीमियर ख़त्म हो जाए. ओके तो देखो, बेरियम, बेरियम 1-1, दिस मेटल इज बैलेंस्ड. इफ़ आई टॉक अबाउट एल्यूमिनियम, देर इज टू एल्यूमिनियम, देर इज वन एल्यूमिनियम. तो ट्राई टू बैलेंस एल्यूमिनियम. इफ आई राइट टू हियर, एल्यूमिनियम विल बिकम टू बट क्लोरीन विल बिकम सिक्स, है ना. तो क्लोरीन पे जाओ, क्योंकि मेटल एक तरीके से मैंने बैलेंस कर लिया, नॉन मेटल देख रही हूँ. सिक्स क्लोरीन, दैट मीन्स आई हैव टू राइट थ्री हियर, राइट, ताकि ये सिक्स हो जाए. ऑब्वियस, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको सिक्स करती हूँ, बेरियम ऑटोमेटिकली विल बिकम थ्री, राइट. तो आई हैव टू राइट थ्री हियर, आई हैव टू राइट थ्री हियर. अब मैम एक और काम, अगर ये थ्री हो गया, सल्फेट विल बिकम थ्री. सल्फेट को एज अ होल लेना, सल्फेट थ्री, तो देखो रिएक्टेंट साइड पे सल्फेट इज ऑलरेडी थ्री. यस, बैलेंस्ड, वेरी गुड. थ्री बेरियम, थ्री बेरियम. सिक्स क्लोरीन, सिक्स क्लोरीन. टू एल्यूमिनियम, टू एल्यूमिनियम. थ्री सल्फेट, थ्री सल्फेट. Reaction is completely balanced. Now you know the type of reaction, you know how to balance the reaction. This is just a simple method, heat and trial method. I have made certain videos on another method, you can follow that as well. To Umang series mein milega wo aapko. Fine, to this is clear, short tricks is clear, very much obvious. To ab bahut sara, ye samajh lo 50-60%. या मोर देन 60% चैप्टर आपने कर लिया है ऑन दिस पर्टिकुलर वन क्वेश्चन. ओके तो इसी नोट पे क्या हो जाए, आंसर भी अटैच कर दिए, ताकि वेन एवर यू फील एनी प्रॉब्लम तो आप सेशन के पीडीएफ में यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी पार्ट. तो बच्चा लोग, लेट्स स्टार्ट विद वन मोर ब्यूटिफुल क्वेश्चन. Right now, let's read out the question. When potassium iodide solution is added to a solution of a lead nitrate in a test tube, a precipitate is formed. तो ये आपके उसके कुछ observation है that you need to tell me. Okay? तो वो करेंगे A, B and C, D वाला part next slide पे है. पूरा का पूरा जितने भी chemical, I mean practical based question आते हैं, now they have changed the format a bit, तो वो 5 marks में डालते हैं सारा observation based पे. तो उस पर ध्यान देना, one question can be asked. Okay? तो क्या question है, potassium iodide solution, K for potassium, right? Potassium iodide solution, solution means they have put it into water and they make a solution and they put into lead nitrate. This is lead nitrate, aqueous solution, right? क्योंकि दो aqueous solution को आप mix करोगे. A precipitate is formed, तो क्या क्या बताना है? What are the things which you need to tell? One is precipitate. तो यहाँ से ही पता चल जाना चाहिए precipitate कौन से reaction में बनते हैं. DD reaction, that is nothing but double displacement, a type of double displacement which we can easily see, two aqueous solution. And you need to tell color as well as the compound which is making precipitate and balance chemical reaction. तो चलो दो काम करते हैं अभी अभी. पहले तो let's make the product. तो nothing but the same thing. वो क्या है, वो ये है कि आपको आयंस को एक्सचेंज करना है, वो बोर हो गए एक दूसरे से, ठीक है. सो के एन ओ थ्री एंड देन पी बी विद आई विच विल मेक पी बी आई टू. पे अटेंशन, वैलेंसी शुड बी सैटिस्फाई, इस चीज़ पे ध्यान रखना है. आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स एंड यू नो करेक्टिंग आंसर शीट्स कि आप यहाँ पे आपको इसकी थोड़ी गलती कर देते हो राइटिंग द कंपाउंड फॉर्मूला. तो इस पर वैलेंसी वाले पार्ट पर ध्यान देना है.
ओके अब जरा आगे बढ़ते हैं. तो केनेथ्रियन लेड आयोडाइड द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इज बेसिकली ऑफ लेड आयोडाइड विच इज ऑफ येलो कलर. यू हैव सीन दिस रिएक्शन ऑलरेडी इन योर बुक्स, है ना. सो दिस रिएक्शन इज पर्टिकुलरली डीडी रिएक्शन से एक क्वेश्चन पक्का आता है और एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट. ये इंपॉर्टेंट है, एक तो क्वेश्चन इनमें से आएगा ही आएगा. फाइन, तो इसके येलो प्रेसिपिटेट और ये जो सॉल्ट है दैट इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर. सो यू गेट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दैट सॉल्ट. जैसे पानी में नमक इज गोइंग टू मिक्स कम्प्लीटली, सेम विद दिस. ये भी एक तरीके का सॉल्ट है, गोइंग टू मिक्स इन टू वाटर कम्प्लीटली. वाटर ऑलरेडी था, एक्वस एक्वस, और ये सेटल डाउन हो जाएगा नीचे इन फॉर्म ऑफ येलो प्रेसिपिटेट. फर्स्ट वर्क इज डन. नाउ वी नो द कंपाउंड लेड आयोडाइड एज वेल एज कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट. बैलेंस करते हैं. We already know the technique how to balance it, right? तो जरा देखो, metal K PB PB. अरे वाह, metal से कोई फायदा नहीं हुआ. Let's come to next part, non-metal. That again polyatomic को क्या करना है, एक मानना है. अच्छा, this was two, okay? Yes. तो इसको एक ही मानना है, as a whole balance करना है. I have one iodine, यहां है two iodine, right? तो क्या करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं, इसको करना पड़ेगा टू. आयोडीन बैलेंस, बट के बन गया टू, है ना, के बन गया टू. तो के को टू बनाना पड़ेगा बाय राइटिंग टू हियर. देखो, इज इट गोइंग टू यू नो क्रिएट एनी डिफरेंस. ये टू होने से टू टू आई टू एनओ थ्री टू एंड लेड वन. रिएक्शन इज बैलेंस्ड. मुश्किल नहीं था, इजी था. स्टेप बाय स्टेप चलोगे, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू. यस, समझ आया, वेरी गुड. तो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन एज वेल. सुपर क्लियर? प्लीज सेशन का डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन भी हमने अटैच कर दिया है. तो एक और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी. तो इसका सीडी पार्ट था ही नहीं बेसिकली. देयर इज वन मोर क्वेश्चन जिसमें चार पार्ट हैं जो हम करेंगे, डोंट वरी. ओके, तो प्रैक्टिकल बेस से जो क्वेश्चन आएगा वो इतना ही आएगा. ओके, ज्यादा दूर नहीं जाते, उससे ज्यादा क्या जानेंगे, है ना. चलो, लेट्स सी दिस थर्ड क्वेश्चन. अगेन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप. जरा पढ़ते हैं स्टेटमेंट को. आई टोल्ड यू, उसका उस रिजल्ट तक पहुंचेंगे. 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड द चाइना डिश इज प्लेस्ड इन सनलाइट. तो इसका कुछ कुछ बात मैंने की थी, है ना, लाइक 10 मिनट्स अगो. वट विल बी योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस? राइट द केमिकल रिएक्शन इन बैलेंस्ड फॉर्म एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन. समझ रहे हो, ये प्रीवियस क्वेश्चन से इंस्पायर्ड है. तो यू मस्ट बी नोइंग कि इस तरीके के क्वेश्चन आने ही आने हैं इन योर बोर्ड. तो यू कैन प्रिपेयर वेल. आपके हार्ड वर्क के साथ यू कैन हैव अ स्मार्ट वर्क ऑल्सो. दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स. तो एक बात, दो बात सीखेंगे बेसिकली. पहली बात, वेन एवर यू हैव सिल्वर के कंपाउंड, स्पेसिफिकली सिल्वर के हेलाइड्स, सिल्वर हेलाइड्स. वट इज द मीनिंग ऑफ सिल्वर हेलाइड बच्चा लोग? हेलाइड मीन्स विच इज हेलोजन्स. ओके, मतलब वो हेलोजन हैविंग नेगेटिव चार्ज. तो ये जो हेलाइड है ये 17th ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल के. हेलाइड मीन्स एनी हेलोजन हैविंग नेगेटिव चार्ज. सो व्हेन आई ऑब्जर्व द 17th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये मेंबर थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. दीज आर नोन एज हेलोजन्स बिकॉज दे मेक सॉल्ट विद द मेटल्स. हेलो वर्ड इटसेल्फ मीन्स सॉल्ट फॉर्मर. दे मेक सॉल्ट विद द मेटल. ओके, तो सिल्वर हेलाइड्स मीन्स सिल्वर, किसी भी यू नो सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड ऑल, अगर वो हो. सो दीज काइंड ऑफ अ कंपाउंड आर वेरी मच लाइट सेंसिटिव. वो आपने देखा भी, वेन एवर यू पुट इट इन टू लाइट दैट इज गोइंग टू बी डीकम्पोज. अब सब कुछ पता चल गया, है ना. क्या पता चला मैम? समरी, हम उसको रिकलेक्ट कर रहे हैं. यू टोल्ड वेन एवर यू हैव अ सिंगल सब्सटेंस दैट इज डीकम्पोजिंग इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, that's a type of decomposition reaction, particularly in presence of light. So we can call it photolysis. Photo means light, lysis means breakdown. So this reaction is nothing but photolysis.
तो हिंट क्या है, ट्रिक क्या है, विच वी हैव लर्न इन दिस क्वेश्चन, दिस. वेन एवर यू सी सिल्वर हैलाइड, स्पेसिफिकली ये आते हैं, ओके, बिकॉज दीज टू का जो वो होंगे कंपाउंड, दीज आर नॉट दैट मच स्टेबल, ओके, वो स्टेबल नहीं होंगे. तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, ये जब भी देखो, एंड दे हैव राइटेड डाउन दैट यू नो दे हैव पुट इट इनटू सनलाइट, तो तुम्हें पता है क्या होगा, डीकॉम्पोजिशन, दैट टू फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन, दैट टू बिकॉज ऑफ लाइट. सो फोटोलाइसिस, तो लेट्स ट्राई टू राइट डाउन. तो एक मिनट भी नहीं लगी, सम 10 seconds टू गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो उसके बाद लिखना, इतना काम तो तुम कर सकते हो, राइट. सो वी हैव दिस सिल्वर क्लोराइड, वी पेस्ट इट, वी यू नो पुट इट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट इज सनलाइट, एंड सनलाइट के लिए वी यूज द सिंबल एच न्यू, बिकॉज लाइट जो है दैट इज कमिंग इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी. एवरी पैकेट ऑफ एनर्जी that is known as photon, that is having fixed energy, that is h nu. Every energy of you know photon, har photon ka energy hai h nu, okay, that is going to decompose. To ek hi baat hai, whatever the condition is written down here, decompose to tootega to give more than one substance, silver and chlorine is going to be evolved out. Why? Chlorine is a gas, so fluorine, chlorine, these are the gases as well as bromine gas. So you will get chlorine gas. Apart from that, you will get your silver metal. So what is the color of that silver metal? Kya lagta? What exactly is that? Isn't it? You have seen maybe around you. Silverish white. So ma'am, silver ka color, silverish white. That grayish white color ka appearance. Okay? Grayish white. Ma'am's writing is not that good. I hope that is understandable. Yes. So silver mil gaya. Socho, if you get this compound from laboratory, you can make silver. So main galat cheez nahi sikha rahi hu, just a thing, just randomly I said. Okay. Gas is going to evolve out. Greenish white color ki gas hoti hai ye. Okay. Theek hai. Swimming pool mein bhi dalte hai, you know. So ab isko balance karna hai. Metal is already balanced. नॉन मेटल, यहां टू है, यहां वन है, क्या करोगे? यू हैव टू मेक इट टू. इफ यू हैव टू मेक इट टू, यहां भी इसको टू करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेड दैट मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड. मास कब कंजर्व्ड होगा एक रिएक्शन में? व्हेन नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल, है ना, दिस इज द रीजन. इक्वल इक्वल, काम खत्म. One more type of reaction. Now we know photolysis, decomposition generally categorized into 3 categories. One is photolysis because of light. One is because of heat, that is thermolysis. One is because of electricity, electrolysis. So isse question ya thermolysis se question aata hai, more important comparatively. Okay? So important cheezein bhi seekhte ja rahe hain hum saath saath. Let's move ahead. This question is again very much important. Why? I told you. Zara read out karte hain. Bahut bada statement lag raha hai na. Ye samajh lo, jitna zyada bada statement, uska answer utna hi chota. As well as question easy. I'm not joking. It's kya experience. Okay. To chalo padhte hain. What will happen if a copper strip is inserted in the test tube containing ferrous sulfate and zinc sulfate solution? तो पहले इतना कोट कर लेते हैं. You have a copper sulfate strip. You put it into ferrous sulfate का aqueous solution as well as you put it into another solution that is zinc sulfate का aqueous solution. Question में आगे पूछ रहा है, what will happen if zinc granules are added into the test tube containing copper sulfate and ferrous sulfate solution? तो वो next part है कि अगर मैं जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड करूं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और फेरस सल्फेट में, और इन सबको मुझे लिखना है वन बाय वन. तो पहले ये देख लेते हैं, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर एंड ऑल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, फाइनल कलर ऑफ सॉल्यूशन एंड ऑल. देखते हैं क्वेश्चन में बारी बारी. लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट विल हैपन इफ कॉपर सल्फेट इज प्लेस्ड इनटू आयरन सल्फेट? तो क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है? If you have this copper sulfate aqueous solution
एंड कॉपर इन दोनों में इज नॉट दैट मच रिएक्टिव दैट कैन डिस्प्लेस दिस आयरन और जिंक. अगर आप एक कॉपर की स्ट्रिप को आयरन सल्फेट या जिंक सोल्यूशन में जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डालोगे तो भी देयर वुड बी नो रिएक्शन राइट नाउ. व्हाई? अगेन द रिएक्टिविटी सीरीज. आई टेल यू द निमोनिक्स राइट अवे. आप लिख भी सकते हो, यू कैन टेक द पिक्चर एज वेल. द निमोनिक्स वॉज समथिंग लाइक दैट. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा. आई लाइक हर कॉलिंग मी अ सिली गॉट. That's it. So let's try to write it. Please stop calling me a zebra. यहां से अभी इसको रब कर देते हैं. I like her calling me silly goat. Okay? तो जरा देखो what would be the mnemonics that we can use for them. Please for potassium. Potassium K. Sodium Na. तो please pay attention one more thing. हम उनके name alphabets पे जा रहे हैं. This is the symbol. वो difference हो सकता है. Calling कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आई फॉर आयरन दैट इज Fe, लाइक लेड दैट इज Pb, हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन के बाद C फॉर कॉपर, देन M फॉर मर्करी, मर्करी का मतलब Hg. ओके, सिली सिल्वर, सिली सिल्वर एंड गोट गोल्ड. ओके, दैट इज गोल्ड AU. वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो ये है समरी. अच्छा, ऐसे चलना है ना, अब इतनी स्पेस नहीं थी, ऐसे ऐसे चलना है हमें, zigzag है ना. तो जो भी मैथ्स में आप कर्व बोलते हो, ऐसे जाके फिर ऐसे फिर ऐसे, है ना. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सुपर इम्पॉर्टेंट. Why? वो पूछ रहा है कॉपर को जिंक सल्फेट में डाला और कॉपर को डाला आयरन सल्फेट में. कॉपर था बेचारा कहाँ? दूसरा कलर चूज कर लेते हैं. कॉपर था मेरा यहाँ यहाँ, और ये है मेरा जिंक और ये है मेरा आयरन. तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, दे आर नॉट गोइंग टू डिस्प्लेस फ्रॉम आई मीन बिकॉज ऑफ कॉपर. तो ये तो नहीं पॉसिबल. अब क्या किया? What will happen if zinc granules are added into the test tube containing copper sulfate and ferrous sulfate? अब उसने रिवर्स किया. क्या किया? जिंक ग्रैन्यूल्स को डाला कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में और फेरस सल्फेट के सोल्यूशन में. जिंक ग्रैन्यूल्स को डाला फेरस सल्फेट के सोल्यूशन में. नाउ एवरीथिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू. अब आसानी से यू कैन गिव मी द आंसर. So please tell me the answer. I know you all are watching. मैं आपके चार्ट्स पढ़ने वाली हूँ whenever I'll be free with my sessions. So please tell me. Obviously zinc has a capacity that can displace copper being more reactive. Reverse was not true. So you will get zinc sulfate as well as copper. As I told you, copper is like loner loner because it's like मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इतना reactive हुई नहीं, है ना. देन जिंक को इफ यू पुट इट इनटू आयरन सल्फेट, जिंक इज अगेन मोर रिएक्टिव देन आयरन एज वेल. यू विल गेट जिंक सल्फेट अगेन, बट हियर आयरन विल बी लाइक लोनर लोनर, लेस रिएक्टिव देन जिंक. तो क्या पूछ रहा है? रीजन टू सपोर्ट योर आंसर. नाउ यू नो, बिकॉज यू नो द होल रिएक्टिविटी सीरीज इन टर्म्स ऑफ निमोनिक्स. एंड ऑल्सो राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द पॉसिबल रिएक्शंस. पॉसिबल रिएक्शन ये दोनों थी. यू कैन राइट द रिएक्शन, आइडेंटिफाई द फाइनल कलर ऑफ द सोल्यूशंस. सो जिंक सल्फेट का जो कलर होता है दैट इज कलरलेस, दैट वी नो इवन फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल. आई टोल्ड यू जिंक सल्फेट का जो कलर है ये, जिंक सल्फेट का जो कलर है ये, दैट इज कलरलेस, है ना. फाइनल रिएक्शन तो यही पॉसिबल है, उसमें तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं थी, है ना.
तो अगेन वन थिंग इफ यू नो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन वन मिनट. क्या स्टेटमेंट कितनी बड़ी लग रही थी, आंसर कितना सिंपल है ना. तो प्लीज स्टिक टू दैट. बड़े बड़े क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, यू कैन ईजिली सॉल्व आउट. अगर कर लिया तो देखो कितने मार्क्स मिलने हैं हमें, समझ रहे हो. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये तुम्हारे लिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ना. तो मैंने 5 मार्क्स स्कोर कर लिए वो 4-5 रिएक्शन लिख के, जिसकी समरी हम पढ़ चुके हैं एक बार. एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज दिस क्वेश्चन. अ सब्सटेंस एक्स इज एडेड, इसकी वजह से कुछ और चीज़ें पता चलेगी अबाउट दिस चैप्टर. इन टू अ बीकर हैविंग वाटर टू प्रोड्यूस अनदर सब्सटेंस वाई विच इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग. आई टोल्ड यू आपको क्या करना है, पता है. मेन थिंग इज सी द की पॉइंट्स ऑफ द क्वेश्चन. अगर वो पकड़ लिए आपने सो द आंसर वुड बी ईजी फॉर यू. तो ये है कि जो सब्सटेंस वाइट वॉशिंग में यूज होता है वो वाई है. अब जो वाइट वॉशिंग में जो हम सोल्यूशन यूज करते हैं, दैट यू शुड नो, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ लाइम वाटर, नथिंग एल्स. व्हाट इज लाइम वाटर, प्लीज टेल मी. इजंट इट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन, है ना. दिस इज लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्लेक्ड लाइम, है ना. दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब ये मेरा वाई है. अब ऑब्वियसली ये बनेगा कैसे, हमें ये पता होना चाहिए. तो एक्स और वाई, एक चीज ऑलरेडी क्लियर है कि वो एक्स एक ऐसा सब्सटेंस है, एक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको जब तुम वाटर में डालोगे यू विल गेट दिस. तो थोड़ा सा आइडिया ऐसे भी ले सकते हो, यू कैन राइट दिस रिएक्शन इन टू दिस वे, राइट सी ए ओ एच ओ एच, है ना. अब एच टू ओ हटा दो, ये किससे बन के आया, उन दोनों को एक्ट करने से. एच टू ओ हटा दो, ओ एच एंड एच, रिमूव दिस, हटा दो, यू विल गेट द एक्स. शॉर्ट ट्रिक टू गेट द आंसर, बिकॉज यू नो इट, नाउ यू नो द फॉर्मूला, यू गेट दिस, नाउ यू आर लेफ्ट विथ सी ए ओ. सो इजंट इट ईजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट इन सच ए सिंपल वे. तो बच्चा लोग आपको पता है आपको क्या करना है. I'll feel appreciated, I'll feel that you are liking whatever we are teaching. So please just hit a like button. Jitne zyada possible like ho sake, utne like dekhne hame is series mein, sprint x mein. Yes, to easy. To x kya hai, y kya hai, super clear now. This is my x and this is my y. Calcium oxide, quick lime. This is slaked lime or lime water. अब क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड राइट इट इनटू बैलेंस फॉर्म. अब बैलेंसिंग की बहुत बात कर ली, करो जरा कैसे होगा. टाइप ऑफ रिएक्शन, अच्छा टाइप ऑफ रिएक्शन इज टू टाइप. यू आर गेटिंग अ सिंगल सॉल्यूशन, यू मिक्स्ड कैल्शियम ऑक्साइड इनटू वाटर, यू विल गेट दिस लाइम वाटर. दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एज वेल. वॉट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दिस. अच्छा पहले जमाने में पीपल जनरली यूज टू हैव दिस वाइट वॉशिंग, दे डोंट हैव दैट मच पेंट एंड ऑल, तो दे ऑलवेज मेक दिस सोल्यूशन इन टू यू नो अर्थन पॉट. वट वॉज द रीजन, बिकॉज उसमें पोर्स होते हैं, द हीट दैट इज गोइंग टू बी रिलीज दैट कैन बी गो टू द एटमोसफेयर. अगर नॉर्मल प्लास्टिक बकेट एंड ऑल में करोगे तो वो मेल्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ द हीट कंटेंट. ओके, so you can write it plus heat. So the reaction is combination as well as exothermic. So you can guess ek chota sa kaam which ma'am is giving you all, that is what is endothermic reaction, tell me by an example. Homework question bacha log, endothermic reaction ka example dena hai. Two thing, one is लैबोरेटरी वाला एग्जाम्पल एंड वन इज डेली लाइफ का एग्जाम्पल दैट कैन बी सीन इन योर बॉडी एज वेल. ओके, आई हैव गिवन यू हिंट. तो एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल देना है, दैट इज ऑलरेडी देयर अ प्रोसेस इन योर बॉडी. तो दो चीज़ें, अगेन मैम बड़ी स्मार्ट है, एक चीज में दो दो काम कर लेती है, ठीक है. तो तुम्हारी मेहनत भी तो बनती है ना. सो येस, सो लेट्स मूव अहेड विद वन मोर क्वेश्चन. एज आई टोल्ड यू, ये हमने कर लिया है, ऑब्जर्वेशन भी कर ली है कि बहुत एक्सोथर्मिक है, बहुत विग्रस रिएक्शन होने वाली है. ओके, और वाइट वॉशिंग के लिए उसको हम यूज करते हैं. दिस रिएक्शन आई एम नॉट गोइंग टू टेक, व्हाई,
बिकॉज ये आप करोगे. आप क्यों करोगे? क्योंकि ये एक तरीके से हमने कर लिया है somehow. Let's see क्या है. Draw a labeled diagram of the experimental setup for the thermal decomposition. I've told you the all the example of decomposition, right? Thermal means which can be there in presence of heat. If you heat a substance, that is going to decompose and will give you more than one substance. So experimental based question bhi aa sakta hai. And you have to write down the two observation also, and you have to write it into balanced chemical form. So whenever you do any decomposition reaction, you heat the substance in presence of, obviously, heat. You heat the substance and some gases can evolve out. तो एक छोटा सा hint एक बार और मैं दे रही हूँ. वो hint क्या है? Generally, whatever the substance you are going to take, उसमें जो metal होगा, metal का oxide बनेगा, right? Just one second. जो metal है, उसका oxide, बाकी की जो भी substance है, वो gases के form में निकल जाएंगे. Okay, what did I just say? Let me conclude. Right. Now, metal ka oxide as the product, ma'am is giving you some, you know, actual hint that can help you out. Product, metal ka oxide, you are heating the substance in presence of air. Baki ke gases form mein product. So when you have this lead nitrate and when you heat it, you are going to get lead oxide. Hai na? Lead oxide, yellow precipitate, and these two gases. NO3 twice tha, do bar likho. Again, NO2 gas, theek hai, aur dusri gas is oxygen gas. Balance so aap kar loge, ma'am have taken 2-3 example and have balanced it. So this is the way you can balance it. As I told you, metal ko pehle balance karenge, pehle pura reaction likhna hai, pehle metal ko balance karenge, fir jo bhi mere ions hai usko balance karenge. Yahan pe nitrate as a polyatomic ion tha, bachcha dhyan rakhna hai, yahan pe mein do alag alag substance ki form mein mil raha hai, to yahan pe individually balance karna padega nitrogen and oxygen ko, right? So it's not necessary every time they'll ask question from lead nitrate. General question bata deti hu. They can ask, the decomposition means heating in presence of, taking the substance in presence of heat and decomposing it. So they can ask about blue vitriol also, and they can ask about green vitriol also. Blue vitriol is this, and green vitriol is this. So इन तीनों में से एक फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है लैबोरेटरी पर्पस से. यू हीटिंग इट, फर्स्ट ऑल द वाटर इज गोइंग टू इवेपोरेट. सेकंड, स्ट्रांग हीटिंग, मेटल ऑक्साइड, टू गैसेस, SO2 एंड SO3, SO2 एंड SO3. तो एक क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने. ओके, सो इसको ब्लू विट्रॉल, इसको ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं. विट्रॉल मीन्स ग्लासी विच हैज क्रिस्टल टाइप अपियरेंस, राइट? वेरी गुड, ऑसम, वी हैव लर्नड सो अमेजिंग थिंग. अब ये क्वेश्चन मैम हिंट की फॉर्म में करेगी, आंसर आप लोग बताओगे. एंड एज आई टोल्ड यू, जो सबसे पहले आंसर देगा इस क्वेश्चन का, आई विल टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन इन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो. यस, तो क्या क्वेश्चन है? मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट वी आर डन विद. एंड दिस क्वेश्चन इज सेइंग, you might have noticed that copper when is heated in a china dish get a reddish brown surface of copper powder will become blackish. Okay, to copper ke sath kuch hua when that substance is heated in presence of air. Okay, what is that black substance that is formed, and you need to tell the name of that substance. Okay, aur kyun bana hai? To basically, isn't it obvious kya ho raha hai? Copper oxide that is going to form. To pehli baat, combination reaction hai. कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया टू गिव दिस सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड. तो व्हाई? बिकॉज ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का. कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज विद दिस ऑक्सीजन, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन विच इज ऑफ ब्लैक कलर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो डन, दैट ब्लैक सब्सटेंस इज नथिंग बट कॉपर ऑक्साइड. तो ये था 2 मार्क्स का थोड़ी सी इंफॉर्मेशन. दो चीजें क्लियर है. वट आर द नेक्स्ट 2 पार्ट? बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, और सेकेंड थिंग इज हाउ द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सर्फेस बी टर्न रेडिश ब्राउन अगेन, मतलब कॉपर वापस कैसे मिल सकता है. लेट्स सी दैट. पहले इसको बैलेंस करेंगे.
copper is already balanced. How I can balance oxygen? Here it's 2. I have to make it 2, right? अगर इसको 2 किया तो copper भी 2 हो गए. Now the reaction is balanced. Equation balance है, combination है, as well as oxidation है. Oxidation can't take place alone. That is basically redox reaction बच्चा लोग. I'll tell you why. Just give me 1 minute. How can the black coating of the surface be turned again to brown, reddish brown? So you had this copper oxide. इससे मुझे वापस से copper कैसे मिले? That is the concern. अगर oxygen गायब हो जाए वापस से कॉपर मिल सकता है, राइट? ऑक्सीजन कैसे गायब करोगे? इफ यू ऐड हाइड्रोजन, है ना? इफ यू ऐड हाइड्रोजन गैस, सो व्हाट यू विल से फ्रॉम दैट ब्लैक कोटिंग सब्सटेंस, वट एवर यू गॉट, उसमें से अगर मैं हाइड्रोजन गैस पास कर दूंगी, आई कैन गेट माई कॉपर बैक. दैट्स इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिविटी ऑल्सो, आप देख सकते हो जाके. तो कॉपर विल बी लाइक अलोन एंड H2O इज गोइंग टू फॉर्म. ओके, वन मोर वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव सीन. Copper alone, water that is going to form when you pass hydrogen gas. Copper alone, H2O. Okay, very much important. And all of these reaction, as I told you, is redox reaction, combustion of reduction and oxidation. Reduction. Now you will be like, ma'am, sirf oxidation dikh raha hai. How come that is reduction also? तो यही तो question है. Because redox, yani ke reduction oxidation ko pehchanne ka, there is one more method which you will give me answer. I'm giving you one hint. Reduction is also gain of electron. Oxidation is loss of electron. So apart from the normal definition that oxidation is gain of oxygen or loss of hydrogen, reduction is gain of hydrogen or loss of oxygen. एक और बहुत important thing है. रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ अब फाइंड आउट करना है मैम क्या कहना चाह रही है. हाउ कम दिस रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन? क्लियर? ऑसम. वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. एक रैंसिडिटी से भी क्वेश्चन आता है, एक बार उसको पढ़ लो. कोई इश्यू लगे तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. यस, ऑसम, वेरी गुड बच्चा लोग. आई बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एज वेल. तो क्या, जैसे मैंने बताया था, सेशन PDF इज सो मच इम्पॉर्टेंट. प्लीज डाउनलोड इट. वेदांतु ऐप पे जाना है और जाके रजिस्टर करना है, एंड देन यू आर एबल टू डाउनलोड ईच एंड एवरी PDF ऑफ स्प्रिंट एज वेल एज उमंग एंड ऑल. ओके, तो करना है. उसके अलावा सम वेरी मच वेरी बिग इन्फॉर्मेशन विच आई रियली वॉन्ट टू टेल यू ऑल, दैट वेदांतु का ये जो लर्निंग ऐप है, दैट हैज़ नॉमिनेटेड फॉर यूजर्स चॉइस अवार्ड. इज़न्ट इट अ बिग थिंग? तो प्लीज़ साइट पे जाने का, गूगल ऐप का जो वो सिंबल आता है प्ले स्टोर वाला, और ऐप को ढूंढ के क्या करना है, वोट करना है. मैंने वोट कर दिया है, प्लीज़ आप सब भी जाके एक बार वोट कर दीजिए ताकि हम और बेटर परफॉर्म कर पाएँ. और छोटी छोटी और इन्फॉर्मेशन बच्चा लोग, सो यू नो वी हैव स्टार्टेड ऑल द माइक्रो कोर्सेज. वट एग्जैक्टली इज दिस माइक्रो कोर्सेज? आप हर एक चैप्टर की एक्सेस कर सकते हो जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है. देन यू विल बी लाइक, मैम ये चैप्टर में दिक्कत है, बाकी सब तो हो गया. ये फिजिक्स का चैप्टर या ये केमिस्ट्री या ये मैथ्स बायो, आप पर्टिकुलर चैप्टर के कोर्स भी इनरोल कर सकते हैं. तो एवरी मंथ वील बी हैविंग दिस चैप्टर. हर हफ्ते बेसिकली कुछ चैप्टर्स के माइक्रो कोर्सेज होते हैं, आप उसको इनरोल करो. और बेनिफिट कब होगा आपको? व्हेन यू विल गो थ्रू दिस कोड AG अनुभा गौर, आई गेस माइक्रो MIC. इफ यू विल डू दिस, बिकॉज यू विल गेट 95% ऑफ स्पेसिफिकली फॉर ऑल ऑफ यू. कैसे करोगे? ये लिंक पे जाने का, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो, वेदांतो इज हियर एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी चीप फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल. यस, और एक और स्पेशल प्रोलाइट कोर्स सब्सक्रिप्शन है बेसिकली ये, जैसे आप सब ऐप्स में देखते हो. ये सब्सक्रिप्शन सुपर बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपने ये किया तो देखो क्या क्या बेनिफिट होने वाला है. एनी कोर्स एनी टाइम लाइव विद ऑल द मास्टर टीचर. तो कोई भी कोर्स चल रहा हो, एनी माइक्रो कोर्स एंड ऑल, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो व्हेन एवर यू वॉन्ट. और अपने हिसाब से अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हो कि अभी मुझे ये पढ़ना है, अभी मुझे ये पढ़ना है. रीप्ले भी देख सकते हो सेशंस के, अपना शेड्यूल अपने करिकुलम के हिसाब से मैनेज कर सकते हो. ओके, और लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो. डाउट सॉल्विंग ऐप तो है ही है. कैसे करोगे? ये लिंक है एंड दिस इज द कोड विच यू कैन यूज.
AGSUB, and this is what is actual price of the subscription. So for the whole year, all the micro courses which are already done, which are going to come and which are already running, as well as all the test series, you can do anytime, anywhere. Okay, so yes, this is going to be super beneficial for all of you. And as you know, limited time offer. And bacha log, ma'am has enjoyed it very well and tried to make her best to give you tricks as well as to make you a better understanding of this chapter. But you all have to do this, like, share and subscribe to our channel. 14 days sprint is there for all of you. Yes, thank you so much everyone. Bye bye. Take care, stay happy, stay healthy, and all the best.